नमस्कार, आज हम आलू पटल की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सादा, कोई ज़्यादा तेल मसाला नहीं। तो आपको हम दिखाते हैं। एक आलू ले लिए हैं, 250 ग्राम मेरे पास पटल है, एक प्याज है, दो टमाटर है, थोड़ी सी लहसुन है, तीन हरी मिर्च है, तेज पत्ता है और कड़ी पत्ता है। लहसुन और हरी मिर्च को हम कूट के डालेंगे। छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, इसे भी हम कूट लेंगे हरी मिर्च के साथ। ये तीखी वाली हरी मिर्च है, इसीलिए हम इसमें तीन डाल रहे हैं। आप इसमें कम अधिक कर सकते हैं। और एक दालचीनी का टुकड़ा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि बहुत जल्दी ये बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। बहुत कम तेल मसाला में यार जल्दी बन जाएगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक हम पटल लिए हैं, इसे हम बीच में चीरा लगाएंगे। जैसे आप आलू काटते हैं ना, इसी प्रकार से हम पटल को काट लेंगे। सारे पटल को हम इस तरह से काट लेंगे। कढ़ाई गैस पर रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें हम तेल डाल देंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे। इसमें हम पाँच फोरन डाल देंगे, दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, कढ़ी पत्ता डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे चुटकी भर। धीमी आंच पे एक दो सेकेंड हम भून लेंगे सब्जी को अच्छे से। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इसे भी एक दो बार हम चला लेंगे। प्याज को एक दो मिनट भूनने के बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। आँच बिल्कुल धीमी रखेंगे, आधा चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच सब्जी मसाला। इसमें सारा मसाला रहता है, सब्जी मसाला है, एक चम्मच सब्जी मसाला हम डाल दें और थोड़ा सा जीरा पाउडर। आँच बिल्कुल कम रखेंगे, कम आँच पे इसे हम चलाते हुए भून लेंगे धीरे धीरे। अब हम इसमें दो कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। एक चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। आँच अभी भी हम धीमी रखेंगे। जब टमाटर से पानी निकलने लगेगा थोड़ा सा हम आँच तेज करेंगे, लेकिन अभी हम धीमी आँच पर ही पकाएंगे धीरे धीरे। एक दो मिनट भूनने के बाद हल्का सा इसे पानी निकलने लगा है। अब हम जो काट के परवल रखे हैं इसमें डाल देंगे और साथ में भुनेंगे। इसमें परवल डाल देते हैं कटा हुआ और इसे हम अच्छे से ऊपर नीचे करके मिला लेंगे। नमक तो हम पहले ही डाल दिए हैं, इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। एक से दो मिनट हम आँच धीमी रहने देंगे, उसके बाद हम तेज करेंगे जब परवल से पानी हल्का सा निकलने लगे। अब हम आँच को थोड़े तेज कर देंगे। तेज आँच पे एक दो मिनट इसे हम भून लेंगे। देखिए पानी अभी निकलने लगा है परवल से, परवल में जो पानी था वो निकल रहा है। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम जो आलू काट के रखे हैं आलू डाल देंगे। अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो आप आलू नहीं डालें। इसमें आलू डालना ज़रूरी नहीं है, आप आलू खाते हैं तो डाल दें। और ये सब्ज़ी जो अकेले बच्चे रहते हैं बाहर में, जिनको तुरंत बनाना है, स्कूल कॉलेज जाना है या जो बाहर में अकेले रहते हैं, उनके लिए है कि फटाफट आप मसाला डालें, सब्ज़ी डाल के और इसे ढक के छोड़ दिए 5 से 7 मिनट। उसके बाद धीमी आँच से इसे पकने दें। उतनी देर में सारा पक जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल के और इसे आप खा सकते हैं निकाल के। इसे मिला लेते हैं अच्छे से, ऊपर नीचे कर लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद धीमी आँच पे इसे हम ढक के 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट में जलेगा नहीं, परवल से पानी निकलेगा, टमाटर से पानी निकलेगा, उसी पानी से पक जाएगा। इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और आँच धीमी कर देंगे, बिल्कुल धीमी आँच पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए परवल से पानी निकलने लगा है, देखिए इतना पानी है परवल से और सॉफ्ट भी हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आप मीडियम में रखेंगे गैस को तो जलने का डर है, पर आप धीमा रखेंगे, सबसे लो रखेंगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि आलू को भी पकाना है, परवल को भी पकाना है और मसाला को भी साथ में पकाना है। इसीलिए हम इसे 5 मिनट के लिए और हम ढक के छोड़ देंगे। अभी इसमें पानी है, अभी ये जलेगा नहीं। अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है, धीरे धीरे कितना अच्छा जला भी नहीं है, आप देख सकते हैं। आलू और परवल दोनों पक गया है, काट के आपको दिखाते हैं। देखिए आलू है, देखिए कितना आसानी से कट जाए, परवल तो और आसानी से कट जाएगा। देखिए अब इसमें अदरक और लहसुन और हरी मिर्च हम कूट के डाल देंगे। अब हम आँच तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें जो कूट के रखे हैं अदरक और लहसुन, इसे हम डाल देंगे और इसे हम मिला देंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के हम इसे तो बराबर मिला लेंगे।
अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे रोस्ट किया हुआ, आपके पास जो है वो डालें। टमाटर नहीं है तो उसके बिना भी बन जाएगा, कसूरी मेथी नहीं है फिर भी बन जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और सभी को मिला लेंगे अच्छे से। एक से दो मिनट इस प्रकार से हम भूनेंगे। और इसमें पानी, अगर ग्रेवी रखना था पानी डाल दीजिए, सूखा खाना है तो इसमें पानी नहीं डालेंगे। एक से दो मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे बस। आपकी आलू परवल की गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार है। इसमें अगर धनिया है तो धनिया पत्ता काट के डाल दें, और इसे आप रोटी में, चावल में, जिसके साथ भी खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बहुत जल्दी से बन भी जाता है। दो मिनट इसे हम खुले में पका लेते हैं, जो हम गर्म मसाला डाले हैं वो भी इसमें पक गया अच्छे से। दो मिनट पकाने के बाद गैस हम बंद कर देंगे और इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं। धनिया पत्ता डाल के हम इसे मिला लेंगे। तो इसे हम मिला लेते हैं और एक बर्तन में हम निकाल के रख लेंगे। इस प्रकार आप भी आलू परवल की सब्जी बनाएं और रोटी और चावल के साथ गर्मा गर्म खाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।